साहब ज्वाइन हो चुका हूँ, बिल्कुल काफी देर से हम तो भाई प्रे प्रदीप हम तो भाई, 1 मिनट, प्रदीप भाई जी स्वागत है आपका हमारे एचआर न्यूज पर ऑन फर्स्ट टाइम। जी साहब आपका बताइए। भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो बिल्कुल जी, कल जो धन्यवाद टेक्निकल बिल्कुल। इशू था वो आज आपने सॉर्ट आउट कर लिया, और हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। बड़ी हेल्दी चर्चा करेंगे हाँ किसी भी बिल्कुल। प्रकार से। हम लगते और हैं आज क्या पठानकोट गया, कह रहे हो? मखाव कुलाना की बात चल रही थी। मखा हाँ, उकलाना की बात चल रही है भाई। कह रहे हैं राकेश राम भगत जी, जो कह रहे हैं कि उकलाना में जो भाजपा को यानी कि बलराज कुंडू को कोई नहीं जानता। देखिए बलराज, मैं एक बात बताऊं, ठीक है कोई किसी पार्टी को फॉलो कर रहा है लंबे समय से, हरियाणा में एक परसेप्शन भी बना रहा है कि भाई मैं तो इस पार्टी का कट्टर समर्थक हूँ, कट्टर ये है कट्टर वो हूँ, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि बलराज कुंडू ने जिस तरह विधानसभा में चाहे युवाओं की आवाज थी, सीटी के मुद्दे थे खासकर, और बिल्कुल बेरोजगारी के जो इशू आए हैं, उसके बाद युवाओं के जितने भी तमाम जो इशू रहे हैं, हर कोई युवा एक ही चीज थी, अगर कहीं भी आया करता तो बलराज कुंडू जी के पास आया करता कि हमारी अगर कोई सदन में आवाज बनेगा ना, छोटी से छोटी आवाज भी, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई आवाज की बात नहीं है, क्योंकि एक बिल्कुल। हरियाणा के राज्य प्रधान श्री विजेंद्र सिंह ने बेनीवाल दी थी। एक मिनट प्रदीप, 1 मिनट। आनंद शिवाज, स्वागत है भाई आपका हमारे एचआर न्यूज पर, पहली बार फर्स्ट टाइम। थैंक यू भाई। भाई साहब उपकन साइड में करके बैठ के अगर बात कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अन्यथा भाई लेटे लेटे में आप बात नहीं कर सकते। अच्छा बाहर जाऊं भाई? बाहर आना पड़ेगा, बैठ गाड़ी से के, बिल्कुल आना पड़ेगा। थोड़ा सा बेहतर तरीके से। क्योंकि थोड़ा सा ये हाँ ले भाई। डिबेट क्या है कि एकांत में कहीं बैठो, थोड़ा सा हेल्दी डिस्कशन हाँ हो। बिल्कुल। हेलो अच्छा अच्छा हाँ प्रदीप जी बताइए। हाँ, तो मैं ये बात कह रहा था कि भाई जहां तक विचार उनकी पैदल यात्रा निकाली है, जो भी उन्होंने देखो, तो अपने आप को एक कोई भी नेता है, खासकर एक निर्दलीय विधायक के तौर पे चुने गए थे, लेकिन उन्होंने जो अपनी एक परसेप्शन अपनी बनाई, एक छवि जो बनाई है, वो छवि इस प्रकार की बनाई कि भाई जो अगर आपके मुद्दों पे, खासकर आज मेन इशू जो रहता है ना, वो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का था, चाहे वो कोई जीवी किसान का था, या कुछ भी मुद्दे थे, भाई बलराज कुंडू लोगों के बीच में या विधानसभा में उठाए तो हैं, बड़े जोर जोर से उठाए हैं, तो कोई दो राय की बात है, और लोगों को लग गया भी है भाई विधानसभा में कोई अकेला एक ऐसा नेता है जो एक विपक्ष की भूमिका भी निभा रहा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकते कि भाई उनको कोई जानता नहीं है। आज बलराज कुंडू पहचान बनाई है आज से, और उस पहचान का मतलब यही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं युवाओं के जो मुद्दे थे उनको छूने का काम किया है, और जब ये चीजें उनके समक्ष युवाओं में गई है, ये लगा है कि भाई कहीं ना कहीं हाँ ये चीज तो है हमारे, जैसे कि पीछे में भी सीटी के जो कुछ युवा जो थे वो मुद्दे लेके आए थे, तो बलराज भाई साहब से मिल रहे हैं, वो क्यों नहीं अदर जो नेता हैं उनसे क्यों नहीं मिल पाए, या ऐसा क्या बिल्कुल उनको लगा कि बलराज कुंडू हमारी बेहतर आवाज बन सकता है, और अदर नेता जो है चाहे विपक्ष में है सत्ता में है, वो क्यों नहीं उन मुद्दों को। प्रदीप, 1 मिनट आप थोड़ा सा अपने कैमरे को थोड़ा सा सेट करें, क्योंकि हाँ थोड़ी सी आपकी फोटो क्लियर, आपका चेहरा क्लियर दिखाई दे रहा है इसमें थोड़ा सा। हाँ ऐसे ठीक है, अभी ठीक है। और हाँ तो बात राकेश यही रापड़ी, आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। जी बताइए प्रदीप। है, तो बात ये है कि भाई साहब अभी हम जहां जिस हल्के में मलके में है ना, उस हल्के में सबसे बड़ा इशू ये था कि जितने काम करके दिखाए हैं ना अभी तक, चाहे वो सत्ता पक्ष है विपक्ष है, उनके पास विधायक के लिए कोई भी ये नहीं है कि माइनस पॉइंट नहीं बनता कि आप एक निर्दलीय विधायक होते हुए भी इतने काम करके दिखा दिए, कोई छोटी बात नहीं मानता मैं। सबसे बड़ी बिल्कुल बात यह है कि बेटियों के मान सम्मान और शिक्षा सुरक्षा को लेकर के जो उन्होंने काम किया है ना, आनंद शिवाज, एक बार आप अपने माइक्रोफोन को थोड़ा म्यूट करें, ऊपर से आपके ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा माइक्रोफोन का, उसको म्यूट करें। हाँ प्रदीप। तो ये आवाज तो भाई बने हैं, और दूसरी बात है
ठीक है, वो अपना मैं कह रहा हूं, एक बार मेरी पिक्चर साहब आपको क्लियर आ रही होगी। हाँ पिक्चर आपकी आएगी सर, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक हाँ है। ठीक है ना, तो ये चीज तो बिल्कुल है। और दूसरी बात है, ठीक है, हर कोई नेता, आज मैं किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ये आइडियोलॉजी भी नहीं है कि मैं किसी को ये ब्लेम करूं कि भाई वो नेता खराब है। हर नेता अपने मतलब आइडियोलॉजी, अपनी थिंकिंग के हिसाब से रणनीति बनाते हैं, चलते हैं, और अपने पार्टी के लिए काम करते हैं या खुद के लिए काम करते हैं। लेकिन वर्तमान में जो विधायक की जो आइडियोलॉजी है, खासकर महिलाओं में, लड़कियों में, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी स्ट्रेंथ, यहाँ एक मजबूत उनका प्लस पॉइंट रहता है उनके पास। दूसरी बात यह है, उन्होंने संगठन और जो उनकी जो टीम है, टीम वर्क का जो काम है, वो भी बहुत इफेक्टिव है, जो आज उनको कहीं ना कहीं एक कहते हैं एज देने का काम करता है, तो वो उनको एक प्लस पॉइंट देने का काम कर रहा है। बाकी आप का तमाम उस सब कुछ देखे भी होंगे राम राम भाई, राकेश। राकेश भाई साहब, आपका स्वागत है एचआर न्यूज पर, और लगता है बहुत सारी परेशानी हुई होंगी आपको ऐड होने में, तो वो नहीं समस्याएं सारी जो कल थी नहीं हमने सोल्व आउट कर ली हैं, तो आज आज के बाद ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। जी बताइए। चलो हाँ धन्यवाद। प्रदीप हेलो जी, टाइम सर है 7 बजे। हेलो राकेश बोला का भाई, तो राकेश भाई साहब, आपके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? नहीं भाई साहब, सही नेटवर्क अपना, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क की प्रॉब्लम अगर नहीं है तो आपकी आवाज और आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो क्लियर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। लगता है कोई समस्या है, तो आप हॉटस्पॉट वगैरह ऑन ले कर ले, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। हाँ मैं हॉटस्पॉट जोड़ू भाई, हॉटस्पॉट जोड़ू मैं, हाँ हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट जोड़ू। राकेश आवाज लगता बड़ी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू रख। प्रदीप आप थोड़ा कैमरे को थोड़ा सा बैक करके ऐसे रखो, थोड़ा सा सेट करके रखो, और अपनी बात कंटिन्यू रखो। बताओ भाई साहब, जो भी आपने क्या लगा है कि हल्का में अभी तक घूमे हो, बतौर जो है आपने क्या प्रदीप लगा प्रदीप आपका कैमरा बेबी रेंज में नहीं है, आपका है? प्रदीप थोड़ा भाई फोन ने भी सीधा कर ले, थोड़ा मुंह दिखने दे। प्रदीप आप हाथ में रख लोगे तो अच्छा रहेगा फोन को। हाँ कोई अब आ गई बड़ा बढ़िया रहेगा। अभी अभी थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, हाँ अभी हाँ ठीक ये सही है। राकेश भाई बताओ, अब राकेश की फोन खतरा हूं मैं तो सफेद। राकेश कल जो है डांगरसियों की पोल पट्टी पड़ने वाला था, तो आज देखते हैं। भाई साहब कुछ ना, आज जुगर में थोड़ा चंडीगढ़ का नजा रहा हूँ भाई, ये अच्छा थोड़ा जुगर घनी तो बात कर नहीं सकते, बाकी हम थोड़ी थोड़ी बात में कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी ला नहीं, लेंगे थोड़ी ले ही। थोड़ी क्यों होगा भाई राकेश, पूरी पूरी कह, कोई आखिर तने सारी बात कह जितनी का, भी बड़ास काट चलो भाई दो साहब सारी कह देंगे। नहीं आप बात बड़ास से नहीं, बड़ास नहीं, ये बड़ास नहीं भाई एक साहब, जो जो रियल होगी ना, जो रियल हाँ होगी अपने मैम की, भाई अपने रोहतक की, एक अपना हरियाणा की सारी बात बताएंगे भाइयों ने, जो अपने मन में होगी, जो छोटी मोटी जाना है जिसे ज्ञान है उसी बताएंगे भाइयों ने। हाँ बिल्कुल। तो बात शुरू करो भाई साहब, राकेश राकेश ये लग है भाई सही, एक इनको निष्पक्ष सी बात, साहब। वर्तमान में कहां मैन कलेक्शन खड़ा है, और रोहतक लोकसभा में भी भाई कितने मैम की, तो भाई साहब सबने बेरा है मेरे ख्याल में, या बहुत बड़ी कर्म धर्म की लड़ाई है मैम की, तो ये बात में पूछोगे या कर्म धर्म की लड़ाई कौन सी है, ये सवाल होगा आपको मन में, कर्म धर्म की लड़ाई कौन सी होगी यार। सवाल सवाल तो देखो जो भी भाई हमें देख रहे हैं सभी के मन में, कि कर्म और धर्म की कह रहे हो या कर्म और धन की लड़ाई कह रहे हो? अच्छा कर्म और धर्म की लड़ाई, कर्म और धर्म की हमने सुनाई दिया कि कर्म और धन की लड़ाई है भाई, जिसने कर्म अच्छे करा के जो धन अच्छा भुगतेगा। राकेश आपकी आवाज फिर से जो है ब्रेक होने भाई लगी भाई। साहब धन तो तांगी साहब तो इतना है कि तेवड़े कोने किसे कन्ना धन का लिया, 100 रुपये का लिया और 5 लोग जमा के ले गया, अच्छा धन धन तो कोई बात नहीं भाई साहब, बड़ा कर्म धर्म की लड़ाई है ओनली बस।
अच्छा, कर्म धर्म की फिर किस प्रकार कर्म और धर्म थोड़ा सा बता दो, बहुत सारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं आपकी फैमिली के मेंबर हैं। कर्म जो कर्म करे है वो धर्म करे है, मेरी ख्याल में जो आपने सोचा भाई सब, बाकी और लोग ये सोचा आपने बेरा भी नहीं। तो कर्म क्या मानना है, क्या मानना है आपकी बात, मैं मलके की सीट के ऊपर जो किसका दबदबा रहने वाला, क्या मानते हो आप भाई साहब? जमा एक तरफा भाई बलराज कुंडू, जमा एक तरफा परोपनीय नहीं। अच्छा, साइड में जो नीचे आप आनंद सिंह दांगी हमारे साथ में डिबेट में है, तो ये इनका कहना है कि बलराम दांगी जो है अबकी बार विजयी रहने वाले हैं। आप एक बात बताओ भाई साहब, जंगड़ा साहब एक बात बताइए और सच्चाई बोलियो। मैं सच्चाई और निष्पक्ष की बात नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब इनने मन में 24 में ऑफिस का उद्घाटन कराया पहली बार, वो भी कब्जा का हो ऑफिस इनका, को मोल नहीं ले रहे ने। उस पे भी आपने बताओ भाई साहब कब्जा है उस ऑफिस पे भी। ये सर बलराम बताओ बताओ, तथ्य के आधार पे बोल रहे हो या फिर हवा में तीर छोड़ रहे हो? नहीं भाई साहब, जो मत है हम इसे बैठा दांगी साहब ने, दांगी साहब का जो ऑफिस है वो कब्जा की जमीन है, बिल्कुल कब्जा ही जमीन है भाई साहब, वैसे कराएगी मौके पर की कब्जा है भाई साहब, लेने देने पड़ जा रही है बात है। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोर्ट में लड़ने तैयार हैं, कोई आते नहीं। मैं दांगी साहब बोलने दो भाई ने यार, विक्रम भाई दांगी साहब का इंटरव्यू करूंगा, इंटरव्यू में सवाल करूंगा नहीं हो मन बराबर में बैठाइयो भाई साहब, मैं बताऊंगा मन बराबर में बैठाइयो आप। अच्छा हाँ जी, बराबर में बैठाइयो। तो मामी शामी सतबीर सिंह जोगी का कहना है कि कर्म नाम काम है सतबीर सिंह, कर्म नाम काम है, कर्म नाम काम है, समझ तबार हुई भाई सब, कर्म नाम काम क्यों करो यार? यू तो मेरी समझ में कोई वो सत्संग सत्संग वाली बात नहीं आ रही, तो नहीं आएगा यू जांगड़ा साहब सत्संग। हाँ एक बात तो मैं, एक बात तो मैं कह सकूं हूं, और बात तो मैंने मेरा नहीं, लेकिन मैंने विधायक के जो ये बस सेवा है ना, रिश्ते जो लड़कियों को जो फायदा है, मैं ऐसी ऐसी घरों की लड़कियां ऑन मतलब का ना विद प्रूफ और विद रिकॉर्ड मैं ये दिखा बता सकूं और ये दिखा सकूं हूं कि कितने गरीब घर की लड़कियां शिक्षा पाकर आज अच्छे खासे नौकरी पे भी हैं, कोई विदेश में भी चली गई है, और वो मतलब जहां मैम तैयार करते बाहर लकड़न की नहीं सोच सके थी, उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटियां में अपनी एजुकेशन पूरी करी है। ये लेकिन तो मैं देखो, अच्छा एक चीज बताइए प्रदीप भाई साहब, आप कह रहे हो कि बस सेवा जो लड़कियों को दी है बलराज कुंडू ने, वो अलका जो है उसका एहसान मंद भी है और अलका एहसान मानता भी है, लेकिन उस चीज का बदला जो है अलका उनको है, उस चीज का जो है अलका उनको दे चुका है, जो उन्होंने कर रखा था उसका उन्होंने उतार दिया अलके ने पिछली बार जो विधायक बना करके, लेकिन अब की बार अलका कह रहा है कि बलराज कुंडू ने जो है कुछ भी काम नहीं किए, बस सेवा करने से या बस देने से अलके का विकास नहीं होता, क्या कहना चाहोगे? जिसकी विक्रम भाई साहब मैं रोकूंगा भाई साहब, मैं रोकूंगा बीच में ही, प्लीज रिक्वेस्ट है प्रदीप छोटे भाई, मैं रोकूंगा भाई। आप कह रहे हो भाई विधायक साहब नाडो कुछ नहीं कर रहा, 10 साल कांग्रेस सरकार थी भाई साहब, दांगी साहब कह रहे हैं मैंने इतने छोरे लुवा दिए, नू करवा दिए फलान करवा दिए, धकड़ करवा दिया, विधायक साहब तो एक विपक्ष में है, दांगी तो सर के करवा दिया, किसी के छोरे लुवा दिए उस परिचित है, छोरे लुवा दिए तो इसने गलत लुवाए, इसमें दांगी साहब दोषी है। सुनो भाई साहब, जो भाई लागण योग्य थे वो तो इसने लागण नहीं दिए, जो इसके अनपढ़ आदमी थे इसने भर्ती कराए, फिर तो गलत में है, जेल गलत है, फिर तो जेल में जाना चाहिए। अच्छा, और बाकी जो बात करें भाई मान ली विधायक की जो बात करें भाई, श्यान कर दिया, उतार दिया, नू कर दिया, मान ली आज के दिन दांगी साहब दुर् कितना पिसा, कितना मान ली आप सोच भी नहीं सकते भाई साहब, बलराज कुंडू तो भी ज्यादा पिसा पाओगे उनका दौर है, लेकिन कभी इतनी हिम्मत नहीं है। मैं एक मिनट प्लीज भाई साहब, विक्रम भाई साहब एक मिनट, मैं इस आदमी ने अपना दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब कितने बड़ी आदमी है वो, और उनके पिताजी पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कभी मैं नहीं बढ़ने दिए इन आदमियों ने, बहु बेटे ने
अच्छा आप पकड़ के किसी को बारने भी जाया कर देने भाई, किसी का चाप पानी होता उड़ते भी काट लिया कर दे। सबसे बड़ा एमपी का इलेक्शन रोवाने का अधीन का है आनंद सिंह दानवे उसके लड़के का, उसके बावजूद भाई साहब इसने मैं बाथरूम भी नहीं बनवाई अपना, तो सडप है जो यो पुराने देना में जो यो भाई पूरा हरियाणा जो बीजेपी जेजेपी लूटंगला करी है आखिर मुंह नहीं बनवाए थे पेशाब के दाब लाग जाए थोड़ा बाथरूम बनवा दे। इसने दंगी ने काम भी नहीं करवाया कितने सालों, तो अपना अस्पताल जो अपना सरकारी उसकी व्यवस्था देखो भाई साहब क्या हाल है, नहीं उठा सरकार में काम नहीं होने देखे, ये ओनली दंगे का कारण हो रहा भाई साहब। आनंद सिंह दंगी ने निकरण दिए, विधायक साहब ने तोड़ कर मैं और रिश्ते फालतू के करा भाई साहब, विधायक न होते होते भी इस आदमी ने काम करे भाई साहब धर्म के कर्म के। बिल्कुल देखिए ऐसा है राकेश जी, यो सवाल तो कहीं ना कहीं फिलहाल के जो हमारे विधायक है उनको बार बार उठाया जा रहा है कि मेन हॉस्पिटल की जो है हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी है और 5 साल में खाली इस हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है उसका सुधार नहीं होया फिलहाल के विधायक बलराज कुंडू से। विक्रम जी एक काम कर लो आप, जितनी अपने विधानसभा में आवाज उठे हैं जितना आप आपका में जितना पैसा है जो सड़क है गाल है जो कुछ भी ला लो आप भाई सब, एक आरटीए लागा एक आप 5,000 रुपये की एक आरटीए लागा उसका जवाब मांग सका हम भाई, आवाज किसने उठाई है किसका कारण इसमें मलका में इतना जो पीसा ये बताओ है यो शमशेर कह दे है अपने आम भाषा बोल दे भाई साहब नजुगर पपीता कह दे भाई 60 करोड़ ला दिए 100 करोड़ ला दिए, अरे काका यार आरटीए तो जवाब मांगो ना विधानसभा में भाई किसकी आवाज कितना पैसा क्यों कराया है उस बात पर अगर नहीं आया है जागले नहीं दिया उस बात का भाई साहब खोट नहीं, और जो आया तो सिर्फ बलराज कुंडो कारण में मलकम पैसा आया भाई साहब किसी ने कोई नहीं करा रहे की मारी सही हो। राकेश जी एक मिनट आप एक मिनट के लिए आप रुकिए। हाँ मुकेश जी स्वागत है आपका जी जी बताइए। ये मुकेश की आवाज कहाँ से उड़ा रही है राकेश के पास से है। चलो मुकेश जी बताइए आपके क्या सवाल और क्या सुझाव है। मेरे सवाल ये है जी इसमें जो सरकार मिली जुली आएगी तभी कोई सिस्टम है, कोई आगे कोई विकास कार्य करता बनता तो तब भी सिस्टम बनता आगे कोई विकास कार्य होगा तभी। पहले तो आप अपना परिचय दें क्योंकि जो भी हमारे और भी फैमिली है वो समझ नहीं पा रही कि आप कहाँ से हैं, तो थोड़ा सा परिचय दीजिए आप अपना एक बार। जी फतेहवाज सरकार कुछ देर पहले हमने भी एक कमेंट पढ़ा था कि अब की बार से फिर जो है मिली जुली सरकार जो हरियाणा के अंदर पड़ने जा रही है और फिलहाल की मिली जुली सरकार से जो आप खुश नहीं है, तो क्या लगता है कि आने वाले मिली जुली सरकार कुछ कर पाए हरियाणा में। आवाज ब्रेकिंग हो गई, समझने में कोई परेशानी होगी क्या। अच्छा और दोबारा किसी का फोन आ गया जी बंदे का, कुछ देर पहले किसी ने कमेंट करके बताया कि हरियाणा के अंदर अब दोबारा फिर से मिली जुली सरकार बनने वाली है, फिलहाल की जो मिली जुली सरकार है जब इस सरकार से विकास नहीं हुआ तो आने वाली मिली जुली सरकार विकास कर पाएगी हरियाणा में, नहीं कर पाएगी। तो आपके फिलहाल के आपके हल्के में फिलहाल से विधायक कौन है, कौन सी पार्टी से है। अच्छा बीजेपी से। तो 2024 में क्या कुछ रहने वाला है। 2024 में भी टाइम वक्त बताएगा जी क्या फिलहाल अभी तक किसका दबदबा लग रहा है सुनी नहीं है मैंने। फिलहाल तो दबदबा तो इनेलो का और इसका जेजेपी का कोई मामला है उस साइड। अच्छा थोड़ा बहुत है, और भाजपा के जो हमारे जो दो भाई हैं राकेश और प्रदीप है भाजपा यानी कि बलराज कुंडू आपने सुना होगा क्या। बलराज कुंडू सुना है उनका तो अभी तक मैंने उनका सुना जरूर है मैंने।
उसमें कि मैं इतनी काम पे फुर्सत नहीं मिलती अच्छा। मेरे को उस टाइम से क्या लगता है क्या लगता है कितनी वहां से मिल सकते हैं आपके फतेहाबाद से बलरामपुर को कितने घंटे मिल सकती है वो तो क्या पता जी उस टाइम में मेरे को तो अभी इस राजनीति के बारे में थोड़ा ज्ञान नहीं है आज इन दिनों में मैं टाइम नहीं मिला मेरे को कुछ भी राकेश ने कंटिन्यू रखो भाई सब राकेश ने हाँ कोई आपको इस भाई ने भी इस भाई ने भी इस भाई ने भी बताऊंगा भाई को एक छोटी चीज बताऊंगा इस भाई ने भी एक रिक्वेस्ट हमारे पास में और आई हुई है एक बार उनको जोड़ लेते थे तो राकेश कोई सवाल मुकेश भाई कोई सवाल है आपका नहीं इस भाई को मैं बताऊंगा भाई इस भाई को मैं बताऊंगा कि भाई फतेहाबाद में क्या है भाई बताइए भाई आप मेरी बात सुनो प्लीज रिक्वेस्ट मेरे भाई आपसे जैसे ये अपना आपके गोरखपुर है फतेहाबाद में गोरखपुर का तो पता नहीं है जी बड़ा गाँव है उस गाँव में आपको ये पता है कि बलराज कुंडू का क्या दबदबा है क्या प्रोग्राम बलराज कुंडू जी का तो मैं तो जी इतना ध्यान नहीं दिया आपकी बार में क्योंकि मेरे को काम ऐसे ही मिला बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कुछ भी भाई बलराज कुंडू जी को जानते हो इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जानते जरूर है उनके बारे में सुना हुआ था जानते जरूर है पार्टी के बारे में बहुत बड़े ये आप समाज से भी और मैं मेरे पास कोई विचार नहीं उन आदमी के बारे में कुछ कहने का भाई साहब आप जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके बारे में एक साइड रख के देख लो और भाई बलराज कुंड के बारे में एक बार देख लो उनके पेज को एक बार फॉलो करो आप उनके पेज पे ना उनकी जो जितनी सारी रिपोर्टें पड़ी हो एक बार पढ़ के देखो आप फिर पता चलेगा राकेश मैं जितेंद्र पंजिता जी जो हैंड बैग पर जोड़ रहा हूँ भाई जी जोड़ो भाई मुकेश आप लाइव रहना हमारे साथ में ठीक है ओनली नुमा लियो ऐसे पांच मिनट ओनली पांच मिनट भाई देखो जो बात करेंगे ना बात करने वालों के लिए तो वही बात है चाहे पूरी पूरी की पूरी लाइव में चल रहा है कोई दिक्कत नहीं लेकिन कोई बोलेगा नहीं तो फिर उसका भी फायदा है ना जितेंद्र जी हमने आपको जोड़ने की रिक्वेस्ट डाल दी है आप एक्सेप्ट करें उसको जितेंद्र जो है उनका हरियाणा में सरकार क्या लिखी जानी चाहिए थोड़ा सा बनाए भाई हुड्डा हरियाणा में सरकार बनाए भाई अच्छा जितेंद्र जी आपकी लगता मुझे प्रोफाइल अनलॉक नहीं है इस वजह से आपके पास रिक्वेस्ट जा नहीं रही और हमारे पास आपकी नहीं आ पा रही तो एक बार प्रोफाइल को अनलॉक कर ले और उसके बाद जो आप जुड़ सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जुड़ने में हाँ प्रदीप भाई जी जी क्या लग रहा है क्या लग रहा है राधा है रावत शमशेर खरगड़ा की जो धर्मपत्नी है काफी चर्चा में रहते हैं कि सरकार जो है मतलब विधायक बनने वाली है बलराज कुंडू का तो नंबर है बोल रहे हैं कि अब की बार नहीं पढ़ने वाला देखो भाई साहब वो तो ठीक है उनके हिसाब से तो वो कुछ भी कह सकते हैं लेकिन इसमें भी ये भी कोई दो राय नहीं है कि राधा हाल फिलहाल में काफी अच्छी सक्रियता उनकी रही है कुछ हल्के में है लेकिन दिक्कत ये है कि उनके जो रामचंद्र धांगड़ा जी हैं या अजीत अहलावत जी हैं तमाम जो बीजेपी की कार्यकारिणी है वो कैमरा तो कहने से उनके साथ ठीक ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है मेरे हिसाब से क्योंकि जहां तक हमें बात निकल करके आती है कि कुछ बीजेपी में मैम बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है अब वो अगर इस चीज को देखो कितना मतलब वो अपने फेवर में कर पाते हैं नहीं कर पाते क्योंकि मैं सतीश दास जी ने तो खुल के कह दिया है अगर राधा अलावत जी या शमशेर खरगड़ा को टिकट मिलती है तो हम खुला विरोध करेंगे अब आप इस इन इन शब्दों के इन बयानों के मायने खुद निकाल सकते हो कि किस तरह से एक मैम बीजेपी में जो है वो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो उनको मुश्किल आने वाली है इसमें कोई दूर ऐसा बड़ी बात नहीं है तो उनको मुश्किल आने वाली है चर्चा कहीं ना कहीं इस बारे में भी बहुत ही चलती रहती है कि जो सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी जो है वो भी जो है कहीं ना कहीं मतलब टिकट कटवाने की तैयारी में ऐसे भी कुछ बातें कल
निश्चित तौर पे हल्के में आज ये चर्चाएं जोरों पे हैं। अब ये तो या तो शमशेर खरकड़ा जी जाने या फिर रामचंद्र जांगड़ा जी जाने, लेकिन लोगों में ना एक आम जहां बैठते हैं जहां भी कहीं भी मैं किसी भी दुकान पे या किसी भी नुक्कड़ पे, तो ये चर्चाएं आम बात है कि भाई कहीं ना कहीं वो है जो है टिकट कटवाने के ऊपर भी आमदा है वो ये। और बीजेपी में हाल फिलहाल ये सब चीजें ठीक नहीं चल रही है। प्रदीप आपका कैमरा बार बार में लग रहा है, डगमगा रहा है, उधर उधर हो जा रहा है। अब ठीक है नहीं, थोड़ा सा आपको ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर इन कर ले मेरे भाई, आंखें कहना मतलब ठीक है, मतलब अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, तो ये चीज है ना, तो ये मायने रखती है कि अब देखो राजा अहलावत जी अगर उस चीज को अपने फेवर में ले आएंगी तो हो सकता है उनके लिए आसानी हो जाए, एक जो रिदम में है वो रिदम बढ़ा रहे, अदरवाइज तो उनके लिए रिदम बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये चीज तो मायने रखती है। और बात मैं एक बात बताऊं, झगड़ा साहब आप कह रहे थे ना वर्तमान विधायक ने जो काम की बात, देखो किसान आंदोलन से बड़ा कोई आंदोलन नहीं था, अगर उस क्या था कि एक बहुत बड़ा आंदोलन मैं कह सकता हूँ हमारे, हमने तो अपने लाइफ जीवन में ये इससे बड़ा तो आंदोलन कभी देखा ही नहीं। उस आंदोलन में विधायक के भूमिका को अगर आप देखोगे तो इससे बड़ी कोई भूमिका नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसी थोड़ा ऊपर कर कैमरा थोड़ा ऊपर। हाँ तो ठीक है, तो हर किसी के ऊपर दबाव था कि भाई आप इस्तीफे दो, सरकार के खिलाफ हैं, सरकार के पक्ष में खड़े हैं। जिस तरह डिप्टी सीएम को सुनने को मिला करता वो तो आप सबने पता है किस किस तरह से उनको को ऊपर जो जो चीजें आई किसान आंदोलन के। लेकिन विधायक बलराज कुंडू ने सबसे बड़ी बात ये करी कि किसान आंदोलन में पूर्ण भूमिका निभाई, किसानों के साथ खड़े हुए। और अगर ये था कि एक ऐसी लड़ाई थी अगर वो साथ में ना खड़े होते तो कहीं ना कहीं यही लोग जो आज ये कह रहे हैं कि काम ना करवाए कल को ये कहते तो किसान कौम का गद्दार था, तो मजदूर कौम का गद्दार था। नहीं एक मिनट ये बताइए, एक सवाल है, महम की सीट जो यानी कि बलराज कुंडू विधायक खुद स्वयं में इलेक्शन यहाँ से लड़ेंगे या फिर किसी और को उतारने की तैयारी में? निश्चित तौर पे उन्होंने ऐलान कर भी दिया था तो वो इलेक्शन यहीं से लड़ेंगे और मैम से ही राजनीति करेंगे, इसमें भी उनकी ये भी कोई दो राय और कोई शक वाली बात नहीं है। ये उन्होंने लड़ा भी खुद गए भाई। हाँ कोई शक वाली बात। क्या लगता है आपको कि बलराज कुंडू अकेले सरकार बना सकते हैं या फिर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अकेले सरकार बना सकती है या फिर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अकेले सरकार बना सकती है? मैं बताऊं जागड़ा साहब ऐसा है कोई शक वाली बात नहीं है, एक परसेप्शन में इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, ना मैं इस बात को कभी यो करता। हाल फिलहाल में जो बीजेपी सरकार के पास है उसके पास संगठनात्मक और कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना प्रणाली रूप में वो बहुत बड़े मजबूत है आदि, तो इस सिस्टम में वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं अपने संगठन को लेकर के और अपने बूथ मैनेजमेंट को लेकर के, मैनेजमेंट इवन मैनेजमेंट को लेकर के और योजनाओं को। प्रदीप जी एक मिनट, हाँ कैसे बताइए भाई साहब, सरकार मले बलराज कुंडू साहब जी ने सहयोग देंगे, सरकार आपकी बार बनेगी हुड्डा साहब की और बलराज कुंडू की, ना किसी सरकार आंधी पाछे यो दुष्यंत ने यो अपने बैठा दिया था जमुना पार फलान दकड़ अंड बंड उड़े उन्हें गोदी में जाके बैठा। हल्के में कुछ इस प्रकार की चर्चाएं चलती रहती हैं कि बलराज कुंडू जो है बीजेपी पार्टी को भी समर्थन दे सकते हैं। देखो भाई साहब वह तो लोग का जबान हो रहा है, मैं मेरी जीभ है मैं कुछ भी कह दूं, जंगरा साहब मैं आपने गाड़ दे दूं आपने रोक नहीं सकते, चाहे ग्राहक मार लियो चाहे पंचायत लियो चाहे थाना में रिपोर्ट दे दो, कह कुछ नहीं सकते है, कुछ नहीं कह सकते सर, बिया बात है भाई साहब। अच्छा हाँ जी, नंगड़ा साहब अगर बीजेपी ने समर्थन देना होता तो अब तक वो इस टर्म्स कंडीशन में भी बीजेपी के साथ होते, इसमें भी कोई दोहराई वाली बात नहीं है। पर भी भाई 300 करोड़ रुपया का नुकसान कराया बीजेपी सरकार ने इसका, उसे टाइम भाई साहब हाथ खड़े कर देते कोई नहीं मैं तो आपका समर्थन करूं। बिल्कुल इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। नंगड़ा साहब एक बात बताओ, 4 साल के ऊपर हो गया मैम में, कभी भी आपने कोई बड़े विपक्ष की कोई बड़ी भूमिका देखी आपने कोई निभाते हुए या कोई आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन या कोई किसी पार्टी का मतलब एक जो कह रहे हैं ना लोग जो दो एक, भाई एक छोटी बात याद आएगी मेरा छोटी बात याद आएगी तो माँ छोटी बात आपने सवाल कर दिया प्रदीप भाई माँ का नंबर दिल छू लिया भाई भाई सब झगड़ा साहब एक बात बताओ आप बिल्कुल जैसे पहले भी यो एम एल ए था जो मान लिया
अपने आन सिंह दांगी जी बिल्कुल भाई साहब जो पत्रकार जाया कर दे यूट्यूबर जाया कर दे उनको माइक खोज कर नुकार दो चुप बैठ जाओ या चाह पीनी तो पीलर नहीं बात लिकड़ जाओ यो आप यो को बाइट नहीं दिया यार भाई साहब अच्छा। ये आनंद सिंह दंगी को बाइट नहीं दिया अगर आपने सारी दिन बता पता होगा ना पता हो तो एक यो अपने मोखरा का मलिक मलिक रविंदर मलिक जो दैनिक भास्कर में हारदा सुनील शिवाजु दैनिक जागरण में हारदा मेरे ख्याल में आपका काम का होगा आप समझता होगे ना हाँ मैं क्या नाम है इसको सुनील शिवाजु को अच्छे बोली बातें जानता हूँ बताइए हाँ हाँ वो शायद दैनिक जागरण में हारदा यो मने लोग बात भी नहीं सुन रहा था जो आप के पत्रकार उनकी बात भी नहीं सुन रहा था भाई सभी आनंद सिंह दांगी जो कर प्रेस वार्ता कर दे और कुछ भी कर दे माइक खोज कर नीचे बैठा दिया भाई चाय पीनी पी लो मल नीचे कहूँ सॉरी भाई कुर्सियां बैठा दिया चाय पीनी पियो बनी बाप ने बाहर जाओ अच्छा हाँ ये हाल थे भाई सब ना तो आपने तो बेरा होगा सारी बात तक आप तो पत्रकार हो देखो जांगड़ा साहब ने पता सब है लेकिन एक पत्रकार होते हुए वो बात अपने स्वयं मुंह से नहीं कह सकते बोलना देखो मैंने तो स्टार्टिंग करने से पहले ही बता था कि हम सब के पक्ष के हैं क्योंकि हम निष्पक्ष के हैं हम किसी के बारे में कोई भी कटाक्ष की बातें नहीं करेंगे किसी की उचित की बात नहीं करेंगे लेकिन रियलिटी ये है और नहीं नहीं वो आपकी बात बिल्कुल जायज है भाई साहब सच्चाई तो बोल लिया करो सच्चाई देखो ऐसा है सुनो मेरी बात राकेश ऐसा है कई बार अपना हरियाणा में कब चल लिया की साची बात कर दी आंख मांगली मार दी और आंख मांगली मार दर्द हो जाए दिक्कत हो जाए फिर तो सच्चाई के भी कुछ नुमाइंदे है कि सच्चाई उड़द तक राख लेंगे तो बढ़िया रहेंगे सही बात है सब बिल्कुल देखो नुमाइंदा मैं मानता हूँ कांगड़ा साहब अगर मैं ऐसी बात नहीं है जो आपने अभी बात कही है तो कहीं ना कहीं भविष्य में कभी ना कभी ऐसी हो तो दांगी साहब से ये सवाल दोहराया जरूर जाओगा जो आपने बोला कि आप जो है पत्रकारों के हाथ से भी माइक छीन लिया करते ऐसे भी आपको प्रारोप लगाए जाओ भाई साहब माँ कानिया भरी मत रिकॉर्ड कर लो अपने घर के लाइव है रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं लाइव है ये लेकिन जनता के मैं मेरा ये रहता है कि हमेशा मैं जो किसी से भी सवाल पुट आउट करूंगा तो वो ही करा करूँ जो की जनता के सवाल होया करे अच्छा एक बात एक छोटी बात और कह दू भाई साहब बिल्कुल जैसे इबाम एमपी साहब इलेक्शन लड़े थे रोहतक लोकसभा से एक एक चीज बताइयो आप मैंने जैसे कोई छोटी बहू में किसी भाई ने को प्रोग्राम ले लिया एमपी साहब का इलेक्शन के अंदर एमपी का इलेक्शन और एमपी के इलेक्शन के अंदर प्रोग्राम है एमपी साहब का वो अपने दिल्ली जाकर प्रोग्राम अराड़ा अगले अपना कितने भाई साहब बर्फी ले रहे कितने किमे ले रहे कितने किमे ले रहे दस भाई है नबला रहे बीस रिश्तेदारी नबला रहे जैसे एमपी साहब भाई छोटी बहू है ये बात हुई भाई साहब उस दिन पूछना आप जिस दिन आप दंगी साहब का इंटरव्यू लिया और मुना बराबर में बिठाई हो भाई साहब हाँ उस घर में ते मले दंगी साहब उसकी बाह पकड़ गए दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अपना मामा लागा भाई साहब आप ही पक्के उसके हाँ दीपेंद्र हुड्डा के बूंदे फैन हाँ मामा रहा अपना उसने उसका घर पर बाह पकड़ कर बाहर लिया इस घर में जाना नहीं इतने और फिर दंगी ने सोचा तुम्हें मिलकर में जीत जिए ना तो कि मैं कर रखा इतना शरीफ आदमी क्यों ऋषि ऋषि कर रखी इतने और फिर मैं मिलकर तने जतावे करम धर्म तरह की मैं कर नहीं रखा गुफा जो तने नौकरी लुआई हूं तने गलत लुआ रखे पढ़े लिखे बड़का तने नाम नहीं आन दिया अनपढ़ा की तने पर्ची ली तू किस हद तक वोट मांगा भाई मारा वेलकम है क्या व्यवहार है तेरा अपने अपने हल्के की बात कर लेते हैं जब भी कहीं सर्वे करने जावे जब सवाल करा जाए कि पूर्व विधायक के बारे में क्या कुछ विचार है तो पूर्व विधायक के बारे में बता जावे कि बहुत अच्छे जो है नेता थे और बहुत अच्छे विधायक थे और जो है नौकरियां देने का अच्छा काम करवाया है जिस थी कह दिया जो चला गया तो उसका जो बालक नौकरी लाग जा करते ऐसी बातें सुनमा है जबकि बलराज कुंडू के पास में अगर हम बलराज कुंडू के पास में अगर हम किसी प्लाट की रजिस्ट्री खातर भी जावांगे तो वो कहेगा मेरे बस की बात नहीं है भाई साहब छोटी बात रोक दूं जो मैं छोटी बात बोल दूं रोक दूं के बोल दूं कोई दिक्कत नहीं है छोटी बड़ी जो भी आपकी इच्छा
आनंद सिंह दांगी सर पे दो चीज आगे अच्छे थे, एक तो लंगोटी के साथ से और एक उनको ऐब नहीं भाई, ओ का दारू का कुछ भी ऐब नहीं। और उसके अलावा जई मैम 24 में को उसकी अच्छाई गणवा दे कैमरा भाई से मेरी डिबेट करा दे। राकेश थोड़ा कैमरा सेट करो, राकेश कैमरा सेट करो। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा कैमरे के लोकेशन में आओ। हाँ अब ठीक है। हाँ जी, एक तो लंगोटी का साचा भाई साहब है, डांगी साहब हर एक ने सा पता नहीं भाई साहब इन बात के हम भिगवा उस आदमी के भाई, वो आदमी इन चीजा पूरा था लेकिन फूफा पूरा मैं मलकन जीन गया। और किसी बात में किसी भी बात में पक्का नहीं लकड़िया ने कान भरनी है के माला गलनी है के लेक्शन वार दा 1 करोड़ का 6 करोड़ घर लेकर जाया करदा। लेक्शन कोई लड़ लो भाई सब नु, तो कोई लड़ लो चाहे आम आदमी लड़ा है तो वो भी लड़ लेगा। जिस आदमी 1 करोड़ का खर्चा लगेगा 5 करोड़ घर घेरेगा बेड में, कोई भी लड़ लो भाई सब, आप लड़ लो मैं लड़ लूंगा, प्रति भाई ने कह दे लड़ लेगा। बिल्कुल। एक सवाल है आप दोनों से, क्योंकि आपने विधायक का जो सवाल करा था उसकी वो बताइयो आप एक बार प्लीज, विधायक साहब के बारे में। जो विधायक साहब के बारे में देखो, वो सवाल था जनता का, क्योंकि जब हम कहीं पर सर्वे करने जा रहा तो यह लोग बोल रहे हैं, उसके बाद मैंने आपसे सवाल कर दिया और आपने जवाब दे दिया कि जवाब भी दे दिया और आरोप भी आपने लगा दिया कि भाई माड़ा मुड़ा करवाने का पीछे पैसे देने का जो उसका तो काम लकड़ गया, जिम गया हल्का, नहीं तो काम किसी का नहीं बनया। कहने का मतलब सीधा सीधा आपका यू है कि जो जिन्हें पूजा करी है उसी ने मतलब वो मेवा मिली है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, उसने भी कोने मिली, उसने भी कोने मिली। एक छोटी घटना बता दी ऊपर भाई से, तू कहे तो सारे परमिशन भाई की लेनी पड़ेगी। बिल्कुल पूरी छूट है भाई साहब। मेरा गांव का एक बूढ़ा था, उसका चलो नाम मैं फिर बता दूंगा, नाम ना लिए। हाँ हाँ भाई साहब, उसका एक छोरा गवर्नमेंट जॉब पे है भाई, दो उसके पोते भाई साहब, इसका इतना तगड़ा भगत है। उसका जो छोरा था वो थोड़ा हा जुगर भाई नशे पते कर लिया था, जो भी कुछ था भाई, और दो दो छोरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होगा, खर्चा भी गणाया हो जाओ भाई साहब। एक ड्राइवर था वो, गणाया खर्चा हो जाओ वो इस दांगी साहब का माड़ा गाल यार था भाई साहब, ब्याज पर ठाठा पीछे की। अच्छा, अपना पोता लुवाने खातर ओ भाई साहब, पोता भी गुजर गया बेचारा, पोता नहीं लागे आज थी गुजरे गए, वो पोता भी गुजर गया। सुनो तो भाई साहब, यार सरकार मरेंदी रहेंदी भाई साहब। फिर यो आया काम में गोड्डा मोड़न, ये जो लोग नु को है काल, आज आनंद सिंह दांगी ने एमएलए बना दे, उस एमएलए के बारे में बात हो भाई साहब। ये बिल्कुल वो आदमी खरड़ पे बैठ के बोलिया बोलिया फलाने बड़ा दुख की बात है, देख पोता ने लुआ नहीं सकिया, भगवान ने प्यारा हो गया, यात्री गाल जरूर बनाऊंगा। और पोते की जवान पोते की मौत पे बैठा तू घर, और गाल बनवा गानू ना का दतरा छोटा पोता ने लाऊंगा भाई। भाई साहब ये व्यवहार है ना आदमी के। अच्छा, और फिर ये सपने देखे हम एमएलए बना, चलो 10 इनका क्या करा था बड़ा साहब, बताओ आप। नहीं कुछ नहीं करा जा सकता, बाकी आने वाला टाइम में हल्का अपने आप कर देगा, इसका जिक्र भी करना है। एक मिनट रुको आप, 10:01 हो गई है। तो भाई जितने भी भाई एक बार लाइव देखने लग रहे हो, अगर कोई और भाई भी जो ऐड होना चाहता है या कोई बात रहेगी वो कुछ कहना चाहे तो भाई बता दो, क्योंकि फिलहाल का समय जो है खत्म हो गया है, और फिर भी एक्स्ट्रा आध घंटा और निकाल देंगे अगर किसी की कोई बात रहेगी, क्योंकि इन दोनों भाई ने खूब जोटा मार दिया एक घंटा, दोनों आगे बस में ठीक चल रहा प्रोग्राम है। और जोटा कितना है अगर पूरे के इलेक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे जोटे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, और हम ये है कि जिस दिन बोलना है उस दिन फिर वही बात से फिर क्रा के बाद लकड़ के आऊंगी। मुकेश सुतार का कहना की है भाई, एक बार मुकेश सुतार को मैं एक बार दोबारा जोड़ दू भाई, क्योंकि भाई भी जमन है।
गेस्ट सुथार एक बार अपनी तरफ से रिक्वेस्ट डाल दो भाई आप, क्योंकि आपका नाम ही शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। राकेश भाई वापसी कब है भाई? तो वापसी तो परसों गए, भगवान का संयोग भाई लाई बांध दिए, बढ़िया बैठे थे भाई। भाई द्वारा भगवान का संतो मन नेहरा उठ का गया, मैं तो मैं कोई नहीं कोई बात करा। एक बार रुको भाई, भाई की बात सुन लेते हैं। हाँ भाई साहब बताइए। राम राम भाई। हाँ जी राम राम जी राम राम। हाँ जी, इसमें सिस्टम ये है अपना, यहाँ पे इस साइड फतेहगढ़ हल्के में हुड्डा साहब का जिक्र ज्यादा चल रहा है। हुड्डा साहब का, उड़ा कांग्रेस साइड से है नी? तो कांग्रेस की तरफ से पूरा जोर है। ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है। एक बार राकेश या प्रदीप, मैं आपको एक को रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि एक संदीप है, कोई नहीं, उन्होंने भी कोई कमेंट किया, इनको भी ऐड कर लेते हैं। मना कर दो भाई, मना कर दे, मना कर दे, मना कर दे भाई, मना कर दे तेरी कसम। संदीप जांगड़ा से शायद ऐड होना चाह रहे हैं, इनको कर देता हूँ। अच्छा हुड्डा साहब का ज्यादा जिक्र आपके एरिया में? जल्दी। अच्छा तो क्या क्या लगे आपको हुड्डा साहब के, हो पाएगा इधर? संदीप जांगड़ा जी तो भाई जो है अपनी प्रोफाइल को अनलॉक कर ले, उसके बाद जो आप ऐड हो सकते हैं। हाँ प्रदीप भाई बताइए। जी भाई साहब, मेरे हिसाब से तो देखो आज का तो समय हो गया पूरा, क्योंकि एक मिनट, मुकेश चौहान। हाँ जी नमस्कार, हाय भाई। जो भी भाई कोई अपना सवाल, एक सेकंड जांगड़ा साहब क्या है, एक मिनट भैया, एक दिन क्या करते हैं कि जहां भी स्टूडियो है ना हमारा, वहां बैठ करके पूरे इस हल्के का और हो सकता है पूरे प्रदेश का भी, लेकिन आसपास के रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, इस एरिया का भी, हम आपके साथ बैठ करके एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे कि भाई एक्चुअल में कौन कितना वजनदार किस पार्टी का हो सका है। तो उसमें बिल्कुल मैं हम चाहवा कि आपका आपकी तरफ से एक मतलब कहते हैं ना कि आयोजन हो जाए, तो वो भी बेस्ट है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, तो वो होना भी चाहिए, बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ तो उसमें क्या है कि लगभग चीजें निकल के आऊंगी। हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं कि देखो कुछ भी कहो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, परसेप्शन है, क्योंकि मैं इसमें कोई कोर कसर नहीं है कि बीजेपी आज के टाइम में सबसे ज्यादा उसके पास कैडर है, हर चीज हर एंगल से भरपूर है, नेतृत्व है, कांग्रेस अपने संगठनात्मक तौर पे और ये गुटबाजी को छोड़ देगी ना, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस सरकार बना सकती है, अगर वो हरियाणा के छोटे दलों को भी अगर साथ जोड़ दे, चाहे वो 2% में है, 4% में है, या चाहे 1% में भी है, अगर उनको भी छोटे दलों को भी अपने साथ मिला ले, तो मैं मानता हूँ कि निश्चित तौर पर कांग्रेस अगर अपनी गुटबाजी को खत्म करके और एकजुट होकर लड़ेगी, तो निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत कांग्रेस को प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में जो एक मैम में जो ट्रेंडिंग शब्द चला हुआ ना, उस शब्द से यानी कि उन चीजों से बचने की जरूरत है, अगर वो इनके साथ रहे तो कहीं ना कहीं फिर इनको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। ये कत्ती हल्के की माइंड बनकर दिमाग में बैठा है कि किस तरह से वो चीजें मतलब आज लोगों को सामना, क्योंकि हमने वो चीजें देखी हैं, फेस करी हैं, और बार बार वो चीजें रिपीट होती रहेंगी, तो हमारे जैसे जो एक ये माना कर दे आज का मैं मध्य का युवा, कहीं ना कहीं वो अपने आप को फिर उस एंगल से नहीं देख पाएगा कि वो अपने सवाल जवाब चाहता है, अपने मुद्दे चाहता है, और कहीं ना कहीं मैं मध्य को विकास की रफ्तार में फिर देखना चाहता है, विकास में देखना चाहता है। और आज एक ग्लोबलाइजेशन का जमाना है,
कि दुनिया में क्या कितना विकास हो रहा है और हम कहाँ खड़े हैं, तुलना करने लग गए। ये अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात यह है कि एजुकेशन का कमाल है। आज लड़कियां सवाल करे हैं, तुलना करे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी बात है कि भाई हमारे मैं बस अच्छा बस स्टैंड क्यों नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं है, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। दो स्कूल है, बॉयज एक गर्ल, वो एक A1 क्लास के क्यों नहीं बन पाए, और मैम का स्टेडियम था वो एक अच्छा स्टेडियम क्यों नहीं बन पाया। तो ये जो चीजें थी कहीं ना कहीं मैम में एक इंडस्ट्री या मैम के अंदर जो चीज ये तरह की डेवलप होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं आ पाई, या मैम एक औद्योगिक क्षेत्र क्यों नहीं बन पाया, या एक इम्प्लॉय जो कहते हैं रोजगार देने वाला ये शहर क्यों नहीं। अब क्या है कि यहाँ से जो व्यापारी है वो प्लान करने लग गए, मैम को छोड़ के जाने लग गए, मैम के अंदर कुछ, और इसको ये कहते हैं कि मौके बार बार नहीं आया करते। मैं इसमें निश्चित तौर पर मानता हूँ, अगर कांग्रेस सरकार में जिस समय 10 साल सेंटर में भी और हरियाणा में भी, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कहते हैं कि कुछ तो कमियां रही हैं जो मैम लूटा है, और वो कमियां क्यों रही हैं, किसकी वजह से रही हैं, और कब तक इस चीज को देखना पड़ेगा और मैम के युवाओं को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो प्रदीप भाई बताएं, जैसे अभी आपने बताया कि मैम के अंदर बहुत सारी चीजों की कमियां हैं जो आज तक नहीं पूरी हो पाई, तो क्या लगा आपने कि बलराज कुंडू जी जो है अगर कल को फिर से सत्ता में आवे तो क्या ये कमियां दूर कर पाएंगे? देखो मैं एक बात कहता हूँ, अगर मेरे पास पावर है, अगर क्योंकि हरियाणा की राजनीति या भारत की राजनीति में एक चीज देखने वाली बात यह है, इसमें लैग पुलिंग या रोड़े अटकाना, क्योंकि हमने खुद काम करके देखा है तो हमें पता चला है कि रोड़े अटकाने वाले कितने होते हैं और काम को मांगने वाले या लाने वाले कितने होते हैं। यहाँ पॉलिटिक्स काम की भी है, हर गली गली को रुकवाने की भी है। आपने शायद 10 साल के कांग्रेस गवर्नमेंट में एक व्यक्ति का नाम भी सुना होगा या कुछ एक नाम सुने होंगे जो कहते थे भाई ये तो स्टे ले आए, ये स्टे ले आए, ये स्टे ले आए, वो स्टे का मामला था। वो चीजें आपके कभी आमने सामने बैठेंगे तो मैं आपको बता भी दूंगा कि मैम के विकास को रुकवाने वाले भी कौन थे, या वो छोटी छोटी चीजों में रोड अटकाने वाले लोग भी कौन थे। अगर विधायक बलराज कुंडू देखो अगर बनते हैं, अगर दोबारा जनता को मौका देगी, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ एक बिजनेसमैन है जिनको अच्छे व्यापार की भी समझ है, और कहीं ना कहीं उनके पास खुद की कंपनी भी है, तो उनको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे यहाँ खड़ा हो सका है और कैसे इस हल्के में औद्योगिक इस यहाँ इकाई आ सके है। तो मेरे ख्याल से उनसे बेहतर कोई जान नहीं सकता। और अभी तक जितने भी जो नेता बाकी उनके पास कोई विजन ऐसा नहीं लगा कि मैम के लिए ये उनके दिमाग में है। एक पहले तो अपने माइंड में होना चाहिए, बाकी चीज तो फिर धरातल पर बाद में उतारी जाती है, बहुत कम ऐसे होते हैं, लेकिन विजन जिसके पास होता है मैं कहता हूँ उसी को मौका देना चाहिए। कहीं जनता के साथ में धोखा तो नहीं हो जावे, जैसे कुछ टाइम पहले हुड्डा साहब के ऊपर आरोप लगे थे कि हुड्डा साहब जो है प्रॉपर्टी डीलर हैं और प्रॉपर्टी डीलर का उन्होंने काम करा जमीनों के जो रेट बढ़ाए घटाए हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई जो बलराज कुंडू जो एक अच्छे बता रहे हो बिजनेसमैन है, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ व्यापार करके ले जावे यार तो देगा कुछ नहीं जावे मैम दे। मैम को अगर मैं एक बात कह दूं, थोड़ी सी कड़वी है, थोड़ी टफ है, मैम को अब तक मिला क्या है, मैम अब तक रहा कौन है? कोई भी विधायक देख लो, किसी का भी इतिहास ठा लो, यहाँ मैम से बना है और या तो रोहतक गया या फिर गुड़गांव गया है, बताओ राकेश रापड़िया कह रहे हैं। आप इस विधायक के तो टर्म्स को छोड़ दीजिए, पिछले विधायक थे या उनसे विधायक थे उनका किसी का घर है यहाँ पे जो मतलब स्थायित्व है जो यहाँ रहते हो? बिल्कुल। थोड़ा कैमरा सेट कर लियो, एक भाई और जुड़ने वाला है, बीच में आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ भी ठीक है, ठीक है, आप राकेश भाई दोबारा फिर से आ गए आप। बोले बोले फोन मिला, उन फोन मिला, मेरे बोले बात करो मैं देखो। बोले राम राम भाई। हाँ जी बताओ जी। हाँ जी बता, आप बताइए, अब हमारा तो समय हो गया था, आपने फिर से रिक्वेस्ट डाल दी कि एक बार ऐड करो भाई। समय 2-4 मिनट बतवा लेंगे यार, क्या दिक्कत हो रही है? ना ना कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक घंटा बतला आपका आपका अपना प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पूरी रात भी कहोगे तो रात लाइव चलेगा। और बताओ। हाँ आप तो सारी रात रामलीला तेरी है भाई। भाई से तो अपना है कि ना मैं आपका विक्रम है ना, विक्रम
विक्रम विक्रम जांगड़ा भाई मेरा नाम। कोई की मेरे सवाल था और सवाल इसे था भाई साहब, भगवान का समझ जुगर मजा उसे मा होगा जैसे फिलहाल जुगर आप ही एकले। हाँ यार सवाल इसे था, हाँ तीन भाई और जुड़े सवाल इसे था अपना मैं मल कब उसमें आओगा भाई समझ कोई भाई हाँ भी मारी साची बता सकूं और अगले लोग भी अपने कमेंट करो भी अपनी कुछ बात पूछ सकूं वो भी साची बताऊं। राकेश मतलब विक्रम भाई मैं बताऊं आपने, मैं तो खुद भुगत भोगी हूँ इस चीज का। जो मैं मलके में एक दौड़पोस्ट जो लोबी बनी है ना, इस लोबी ने 10 साल में बहुत नुकसान करा है, बहुत ज्यादा, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अरे ये एक ऐसी लोबी बन गई जो जिसने मतलब आज मैं मलके के लोग इससे पीछा छुटाना चाह रहे हैं। भाई विकास तो देखी जाएगी भाई, रोड भी ठीक है चल पड़ांगे, इतनी बुरी हालत नहीं है अब कहने को, रास्ते इतने वो खराब भी नहीं है। कोई भाई आपकी डिबेट को अच्छे से समझ सके तो दौड़ को देखो, मैं समझू आप समझो और हमारे जो हल्के के भाई भी समझे हैं और बहुत सारे भाई से भी उसके बहुत दूर से देख लो। दौड़ पोस का मतलब साफ साफ शब्द में किसने कह रहे हो? दौड़ पोस का मतलब राकेश भाई एक बार बढ़िया तरीके से बताइए एक बार, क्योंकि राकेश थोड़ा ले ले बता दूं। दौड़पोस सबसे बड़ा दौड़पोस तो है माननीय विधायक पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी और उसका लड़का पूरो मले हल्के लोग तो नुका चेयरमैन चेयरमैन जिला परिषद का, लेकिन वो था भाई साहब डिप्टी चेयरमैन मले द्राटर उठा रखे चेयरमैन का, चेयरमैन का वो मतलब डिप्टी चेयरमैन रहे हैं। हाँ ड्यूटी चेयरमैन रहे हैं वो माले जुगर दराटा ठहरे का चेयरमैन चेयरमैन माने समझे में नहीं दे रहे वो चेयरमैन सह कौन बैंड सो माने 5 साल तो मेरे नहीं पटेल हो गया ना चेयरमैन ने बलराम दांगी है और बोल को सो आदमी है भाई साहब गली लाकी माला तड़के आ करी राम राम जी पिया पड़ोसी का होका डगर के अगला घर राम राम जी देखा मिठाई का डब्बा मिठाई का डब्बा ना आप जान दे होगे के है के ना है को ना जान दे मैं जानू कोई दिक्कत है आप चालू रखो बात में नहीं मैं बता भी दूंगा उसमें पीछे पायर दे हुई एक तो गम वाला एक तो गम वाला वो सीन जो पहले मिठाई का डब्बा पीसा हुई है भाई साहब फिल्मा करता वो सीन है। हाँ वही सीन सेम है और फिर चाह पीऊ तो बाहर दुकान पे दो सर पी दे चाह पियो फिर इन बहुत सुनो भाई फिर वो दौड़ पोस अपना आप मनु घर दे दंगे साहब देख लियो हम नु करा दिया है फलाना आदमी तो अपने के लगी भी सही नहीं ना भैन छोद खुद का वोट पले नहीं जिसके दो वोट पले उस आदमी ने मारे कर दिए दौड़ पोस ये थे भाई सब। अच्छा ये थे तो राकेश निवेदन है कि आप जब भी दोबारा लाइव में जुड़े तो यू आपने एक थोड़ा सा वर्ड बोला था इसको कंट्रोल में करके बोलने क्योंकि सब में शब्द बोलना है ना तो उसमें अपनी चीज बाद में दिखाओगे भाई आप भी कौन सा बताओ जी बताओ बताओ जो भी आपने गाली का इस्तेमाल किया था उसको ना दे। हाँ हाँ सॉरी एक बैंड सुनो फलान तगड़ा हाँ ठीक है भाई सब माँ फलान मतलब वो हरियाणा वाला वो माँ वाला खत्म में कौन हो बोला गाल ना दिए की बार है ठीक है सॉरी भाई सब सॉरी सॉरी क्यों नहीं ठीक है प्रदीप फिलहाल तो देखो कर देवा इसको क्लोज और राकेश कल फिर दोबारा से मिलेंगे अपन 9 बजे क्लोज नहीं भाई सब भाई सब क्लोज वाले बात कौन है इसने पूछियो माँ का नहीं भाई सब ये जो आपने बोले हैं सारे की सारे वार्तालाप तो हम डेली करेंगे ही आपसे भी करेंगे क्योंकि 9 बजे का और 10 बजे का जो टाइम है ना वो अपन निर्धारित कर दिया है 1 घंटा आप लोगों के बीच में रहेंगे और रोजाना किसी न किसी बात को लेकर किसी न किसी मुद्दे को लेकर रोजाना वार्तालाप भी करेंगे ठीक है। देखो तो जो आपने रोजाना तो आया कौन सा क्यों भाई सब कोई काम धंधे देखने पड़े हाँ बाकी लोग बगा ही जावांगे जैसे हमने टीम होती है कोई दिक्कत नहीं भाई साहब देखो टाइम भी बताने वाले आप ही हो कि 9 से 10 बजे का टाइम जो है परफेक्ट रहेगा वरना बिल्कुल बिल्कुल 8 बजे से 9 बजे तक मका सारे कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा अपने काम धंधा फ्री भी हो जाएंगे रोटी पानी खा कर लेकिन 9 बजे तक 10 बजे का टाइम बढ़ा दिया बाद में जरूरत पड़े तो चेंज फेयर भी कर जाएंगे उसमें बाकी धन्यवाद भाई साहब बाकी देख लेंगे जितने का अपने जुड़ेंगे उनमें देख लेंगे चेंज वाली बात कोई दिक्कत नहीं है राम राम भी
राकेश धन्यवाद भी जितना समय दिया आपने हमारे बीच में भाई साहब को बात क्या कोई ना भाई साहब ठीक है जी भाई साहब नमस्कार ओके।